बर्थडे होगा ना, केक मत लाना, क्या लाना पता है? ऐसा हैप्पी कुछ एकदम घर को एकदम जाग गया। सो नो यूज, व्हाई टू वेस्ट मनी? मस्ट है, भगवान को भी सहना पड़ा था, हम तो तुच्छ प्राणी है, खाली सोने का मौज करने का लास्ट के। मेरे को सक्कर टेटी बनना पड़ेगा। बोले यार ये आराम कर रहा, आराम कर रहा यार, अच्छा ये एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा, पकड़ 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 इसको, पकड़ पकड़ पकड़। यू आर माय फिगर कत पड़। वेलकम टू द व्लॉग, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात, पूर्णा वाला जैसे करते थे, सभी को करते प्रणाम प्रणाम। भाई अभी देखो हाल, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ भैया के साथ, टाइम पास कुछ भी कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे ड्रेस कभी साफ सफाई नहीं होगी। मेरे को साकर टेटी बनना पड़ेगा, जेटराल बोलते हैं ना साकर टेटी। बैठे कब से, एक घंटे से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो, खाली दूसरों की रील्स ही देखे जा रहा हूँ, टाइम पास कुछ है नहीं करने के लिए। एंड कल या कभी भी, आज कल आ गया होगा या आने वाला होगा, रिवाइंड आ जाएगा अपना, कितने 25 मई को चालू हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने, 6th month का रिवाइंड आ जाएगा, तो देख लेना आया होगा या आने वाला होगा, दोनों में से सो देख लेना, रिवाइंड आ जाएगा पूरे मंथ का एक साथ। बैक टू होम, वर्स्ट मतलब इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, इतना बोर हुआ, इतना बोर एट लास्ट में, फिर सोचा कि यूज़ करते हैं टाइम को और फिर एडिटिंग करने बैठा। नाक बंद है, बॉडी लूज है, कल इंटरव्यू के लिए भी जाना है, कल शायद वो वाला व्लॉग मैं तुमसे शायद एक दो दिन पीछे चल रहा रहूँगा, शायद पता नहीं, अभी जैसे व्लॉग एडिट होते जाएंगे, क्योंकि 145 वाला व्लॉग, 146 ये तो कंटिन्यू की होगी मैंने, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग था वो, घर जाके बताते हैं। भग गया इतना भाई, हालत ख़राब है, मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ घर के, मम्मी अपने अपने मम्मी की अपने भाइयों की बातें कर रही है, उन्होंने मतलब बातें मतलब घर की बातें ऐसा वही बातें चल रही हैं। भाई कल परसों एक चॉकलेट खा ली थी, पता नहीं क्या घटिया चॉकलेट थी, क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ उसका, पता नहीं क्या थी, एक्सपायरी तो नहीं थी पर ऐसा अजीब थी एकदम, पूरा सब कुछ लॉक हो चुका है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। मेरे को ऐसा है कि थोड़ा भी एलर्जी लगता है ना, जैसे धूल आती है, मिट्टी आती है, धूप आती है, उससे कुछ हो जाता है, तो भाई लगता है दवाई लेना पड़ेगा। ये दर्द का ही ख़त्म नहीं होता बे, ये सब टेंशन का ही है भाई। ये देखो इतने अच्छे बाल थे, इतना अच्छा खोपड़ा था, स्ट्रक्चर था 9th standard तक, उसके बाद बर्बादी जो ना स्टार्ट शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मम्मी की बातें सुन रहा हूँ, मैं बस बातें ही सुन रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दुख रहा है बहुत, दवाई ले लूँगा। और एंड भैया, भैया सो गए, वो भी एकदम ख़त्म, उनकी भी हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि काम इतना करो, इतना घूमो फिरो, फिर फैमिली सबकी बातें, मतलब बहुत सारे पता है ना, मतलब जो बड़े भाई रहते हैं जो एकदम चिल्ड आउट रहते हैं, या फिर मतलब कितने भी चिल्ड आउट हो उन्हें सुनना पड़ता है घर वालों का, सो ऐसा ही है, तो वो भी थक गए तो सो गए, उनको इंजीनियर है ना भाई, आई लव इंजीनियर्स, उनको सोने का ऐसा खाली सोने का मौज करने का, लास्ट के 15 दिन में एग्ज़ाम्स लिख के इंजीनियर्स दिल से भाई बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, उस कभी कभी फ्यूचर में बताएं। कभी कभी तो ऐसे शॉट होते हैं कि ऐसे ज़बरदस्ती, कभी कभी नॉर्मल नेचुरली गिर जाते हैं ना कि भाई थक गए, फिर मालूम पड़ता है कि अरे भाई सभी को थोड़ा थोड़ा सभी को भी दिखाते, तो फिर से सेकेंड टेक में धप से गिरते। सो दिस वॉज, दिस वाला पार्ट वॉज स्क्रिप्टेड भाई, बैक की पूरी लगी पड़ी पूरे की पूरी, क्योंकि तुमने रिवाइंड के पहले वाला व्लॉग देखा होगा, 145 देखना पहले, फिर 146 देखना, तो समझ जाओगे उसमें ऐसे ऐसा भाई चीज़ें हुई है। एंड उसके बाद तुमने अभी ये वाले व्लॉग में भी देखा कि भाई ऊपर बैठा था कुर्सी पे, भाई इतना बोरिंग, इतना बोरिंग, मेरा पूरा बैक पेन होने लगा। एंड अभी भी हेलो हेलो माइक चेक, मम्मी ने बोला कि डोलो पी ले एंड सो जा, पर मेरे को लग रहा है अभी जब ज़रूरत होती है ना तभी सब मालूम है ना लाइफ कैसी होती, जब मतलब रोज़
लेट उठता हूँ 10-11-12 बजे, फिर ऐसा लगता है कि आज का दिन पूरा वेस्ट कर दिया है ऐसा वैसा। आज तो भाई सोया था 2 बजे, फिर 5 बजे उठ भी गया, इतना सब कुछ लंबा झाका माका इतना किया भाई, आज तो टाइम ही नहीं जा रहा है। आज तो इतना मतलब व्लॉग इतने सारे 2-3 एडिट कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी भाई टाइम नहीं जा रहा, एकदम फटी पड़ी है। पापा पापा भी लेट आएगी आज तो पक्का, ऐसा है ना, सोना है ना भाई, सोने ना 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 भगवान भगवान बोले यार ये आराम कर रहा, आराम कर रहा है यार, अच्छा ये इंजॉय कर रहा, इंजॉय कर रहा, पकड़ 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 इसको, पकड़ 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 ऐसा करके भगवान। बट भगवान थोड़ा रहम बनते हैं, थोड़ा बड़ा सब्सक्राइबर था पाक से भगवान, प्लीज आई नो आई लव यू, आई एम योर फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम लॉन्ग अंग्रेजी, ओ माई गॉड। और इसका तुमने किसी ने भी नहीं पूछा और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी बेयर इन लुक। इसका प्रबंध करवाया गया था, कलर की बातें भी हो चुकी थी, सब कुछ एकदम घर को एकदम उला उला वैसा वाला बनाने का प्रोग्राम बन चुका था, पर हमने सुमड़ी में घुमड़ी करी। और सच कहूँ तो मैंने भी मना कर दिया, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मत करो, क्योंकि थर्ड फ्लोर है, पानी गिरते रहता है, तो एक साल में पूरा वाट लगने ही वाला। सो नो यूज, वाई टू वेस्ट मनी, क्या बोलते ओहो अंग्रेजी में, सेव मनी इन्वेस्ट मनी, तो ऐसा वाला मेरा है तो मैंने मना कर दिया। तो मना तो मेरा घंटा कोई नहीं सुनता वैसे, पर उनको भी लगा कि नो यूज़, वैसे भी दिवाली नज़दीक आने वाली है एंड ये सब कलरिंग वलरिंग करेंगे तो साफ सफाई का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं बोला जब भाई का ब्याह होगा, वो भाई तुम्हारे भाई हमका, तब आएंगे वो एजी, तो मारवा देना, तो घर भी एटीट्यूड वाला बन जाएगा और ठीक है ना। और तुम तो भाई अपने सखा मित्र हो, तुम तो भाई मेरे को 150 व्लॉग्स हो गए अगर समझो, इतने दिनों में देख सकते हो दो टीचर में, तो मेरे घर तो भाई यू एक्सेप्ट मी इन एवरी सिचुएशन, इफ़ यू एक्सेप्ट मी यू आर माई जिगर का टुकड़ा। वाह, मैं एंड अभी मम्मी दोनों भी वही डिस्कस कर रहे थे कि अभी जाना आना बहुत आसान हो गया ना, कि मतलब अब ऐसा हो गया कि ट्रेन में जाते हैं ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैं किसी का भी नाम नहीं देना चाहता, बट आसान हो गया। पहले कैसा था, जनरल टिकट निकालो, कुछ भी निकालो तो ऐसा, उसमें भी भीड़ होती थी, उसमें भी लफड़ा, जनरल मोस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जनरल में ज़्यादा ट्रैवल करें उसमें भी ये लोचा वो लफड़ा बहुत ज़्यादा कर दी होती। तब तो क्या कंपलसरी सभी को टिकट्स बुक करानी है, तो भाई इतना सफिशियंट हो चुका है, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी जो काम करते हो ऑफिस में वो भी इतना सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, अरे सेठ जी बहुत, सेठ जी पापा को बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। खाली ये एक प्रोसीजर बीच वाला जो ऑनलाइन वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वहाँ पे भी जब फॉर्म भरने जाओ तो अगर वो इंक्वायरी पे बैठा बंदा अच्छा है तो तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, नहीं तो वो तुम्हें फॉर्म पकड़ा देगा तो तुम्हारी भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी खुद के दिमाग घूम जाता है, समझो मैं वो सब मेरे को नहीं आता, तो समझ रहे हो ना मतलब। तो वहाँ पे जाके अगर तुम बोले कि इसके अंदर गाड़ी नंबर डालना है, डब्बा नंबर डालना है, वो कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो यही है, सीख जाओ, पर मैं खाली पूछ रहा हूँ खाली कि, और अगर समझो नहीं आता हो देखना तो कुछ हो तो ज़रा कमेंट डाउन कर देना, तो मुझे पता है ये रेल यात्री ने वो सब मत बताना प्लीज़, क्या फिर सिंपल मैं बताऊँ, जहाँ पे भी जाना है अपने किसी बड़ों को पूछ लो, बात खत्म सिंपल, या फिर उधर इंक्वायरी ऑफिस में जो आजू बाजू रहते जो जो मेन कंट्रोल रूम था वहाँ पे जाके पूछ लेने का कि भाई यहाँ यहाँ जाना है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हें बता देंगे। बट मेन प्रॉब्लम अगर आज से 10 दिन के बाद की निकालनी है तो वो ट्रेन एंड, मम्मी यही बता रही थी कि आज नया एकदम बिछाया है तो ये और ये मैचिंग हो गया। आई नो लेम मत बोल देना प्लीज़, क्योंकि ये घर की बातें हैं, कोई 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 चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि हाँ भाई ये याद आए कि है, एकदम छोटू चिंदू सी बात, पर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बात सोचने वाली है, बहुत सारी ऐसी बातें, बट ये मम्मी के लिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो आना चाहिए। और भाई इतना टाइम हो गया, ये कुंभकर्ण अभी भी सो रहे हैं, इनको क्या पता नहीं, इंजीनियर लोग भाई, इंजीनियर ओपी इंजीनियर सोते भाई सुबह, माता जी सॉरी, तो इतना सो रहे भाई, इतना कड़ा भाई इनको, अभी ये तो अभी तो भी ठीक है, अभी तो मतलब नौकरी वोकरी जॉब वॉब इतना सब कुछ, पहले तो भाई जब आते थे ना वहाँ से, मतलब पहले अहमदाबाद पढ़ते थे ना तो वहाँ से आते थे ना तो उठते थे 9-10 बजे एंड भाई तू भी सो जाते थे दोपहर में, दोपहर में सो जाते थे तू भी, शाम को भाई ऐसा अगर अगर मोबाइल खेल रहे तो भाई सात ऐसा खेलते खेलते 7-1-2 घंटे के बीच में 7-8 ऐसा खींच लेंगे, और रात में भी 10-11-12 बजे सो जाते, मतलब भाई इतनी नींद आती कैसे भाई, इतना खतर ओपी लेवल है भाई इंजीनियर भाई। मेरे इंसिडेंट्स है बहुत सारे बताने के लिए, क्यों अपने फेवरेट है, और तुम्हारा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला था, बट
सह लेंगे। दर्द है, दर्द है। उठाओ कोई कुंभकर्ण। जाग गया। जाग गया। पहले ही मैं अपने घर वालों को बोला था कि जब भी मेरा बर्थडे होगा ना, केक मत लाना। क्या लाना पता है? ऐसा हैप्पी बर्थडे वाला केक काटो। हैप्पी बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, लो सर्वनाश। मेरे को दुनिया के किसी के भी दाल चावल दे दो भाई, कितने भी हाई लेवल, 5 स्टार 7 स्टार, ना मनना ना। हमें अपने माँ के हाथ की पसंद है, वो मम्मी के हाथ के बिना के। पर प्रॉब्लम ही है कि ये दाल चावल खाने से तो समझ लो वेट थपा दम थपा, यही लफड़ा है भाई, यही लफड़ा है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है उसको गांव के पहले छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले गांव के पहले। ऐसा ये रूल है, सिग्मा रूल है। जो चीज़ सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा पसंदीद और दिल के पास है उसको सबसे पहले टाटा बाय बाय करना पड़ता है। आज सुबह मैंने रील में सुना था, मैंने रील में देखा था इंस्टा की, कि जब जिंदा हो, जीवन जीते हो, तब सहना तो पड़ेगा, क्योंकि जब मरते हो तब तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मस्ट है, भगवान को भी सहना पड़ा था। हम तो भाई तुच्छ प्राणी है, तुच्छ है। अभी अरे यार, मैं एक्चुअली मैं दवाई लेके आया, मेरे को बहुत प्रॉब्लम था तो मैं सोचा लेके आया, पर भाई के लिए एक टाइम लैप्स लेना था उनको, तो उनका उनकी रिकमेंडेशन पे एक टाइम लैप्स लिया है, वो देख लेना। कभी कभी बनता ही रहता है घर में। अभी गुजराती फैमिली खावा पीवा तो तुमको पता ही होगा, शौकीन एकदम। पी से देखो, पी से ये देखो एकदम, आज भाई मजा आ जाएगा। खावा पीवा एक स्लो मोशन तो भाई बनता है, इतना सब कुछ मेहनत करते हो तो थोड़ा जलाना तुमको भी बनता है। एंड भाई दिन करते यहीं समाप्त, बहुत ठीक दिन गया। बट होप यू लाइक द व्लॉग। पसंद आया तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो भी अच्छा लगा अच्छा बुरा कमेंट कर देना। दूसरों को शेयर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ही वही है, क्योंकि रीच बढ़ाओगे तो यूट्यूब पे ये सब करोगे तो यूट्यूब थोड़ा सब्सक्राइबर्स आने में हेल्प करेगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, क्योंकि यहाँ पे कमल धमल बवाल अनलिमिटेड मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड डेली मिलेगा। भाई ये क्या है इधर, ये फिर ये डॉल पड़ी है, देखो अजीब डरावना मौसम है। कोई बात नहीं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय माता दी। आते रहना, आज नहीं रोज नहीं कल फॉर एवर, सपोर्ट प्यार बनाए रहना। जय।